प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी। 4 तारीख का बर्थडे है और फिर रात को जाऊंगी बढ़िया सी बना के तुलसी ढाई महीने आना ना पड़े क्योंकि उसका साइज नहीं मिलता है इसको कहते हैं डॉली पेपर कुछ लेके घर पहुंच गए मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग और अभी जो है व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के मतलब दोपहर के 1:30 बजे क्योंकि हम अभी उठे हैं और बस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। मैं और गोलू निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए क्योंकि हॉस्पिटल का जो चक्कर है ना हमारा बहुत ही 3-4 लग गए हैं डॉक्टर नहीं मिल पाया है दवाई तो हमने ले ली थी फिर भी टेस्ट वगैरह सब कराने हैं बस निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। तो गाइज यहाँ पे जो है गर्मी आ चुकी है तो मैंने जो मोटे वाले जो थे चद्दर वो हटवा दिए हैं यहाँ से और पतले वाले चद्दर लगवा दिए और ये चद्दर का प्रिंट बहुत सुंदर लग रहा है। तो कल ना मेरे को इस वाले ड्रेस पे बहुत सारे कमेंट्स आए थे तो मैंने आज फिर से यही वाली ड्रेस पहन ली है और ये ड्रेस मैंने ली है मैक्स से जो कि बहुत ही सुंदर है। और ये वाला जो रूम है ना ये भी पूरा क्लीन करवा दिया क्योंकि अरमान जी जो है लेट सोए थे तो वो दोबारा से सोएंगे तो झाड़ू पोछा सब कुछ कर दिया है और इस रूम की भी बेडशीट जो है वो चेंज करा दी है। तो आज घर में बन रहे हैं पूरी छोले। कल मेरे रात को ना पूरी और छोले खाने का मन था तो मैंने रात को सुबह उठ के छोले भिगो दिए थे जब चीकू को स्कूल भेजा था तब भिगो दिए थे अब यहाँ पे उबल रहे हैं। हम लोग जाके आ रहे हैं हॉस्पिटल ठीक है और आपके भी बहुत सारे टेस्ट में वो आए हैं जरा डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर लो और दांत का आज हो जाएगा आपका ठीक है। तो बस फाइनली हम निकल चुके हैं और याद कर लेती हूँ अगर बाहर का कोई काम है तो करते ही आएंगे क्योंकि ना एक बार निकल जाते हैं ना फिर काम हो जाते हैं वरना घर से निकलने का दिल नहीं करता प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी। हाँ एक काम है। क्या काम है? तेरा बर्थडे आ रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ कपड़े ले लेते हैं बर्थडे के लिए। कपड़े है तो गाइस आज 2 मार्च है पाई का बर्थडे है 4 तारीख को 4 तारीख का बर्थडे है मेरा 20 तारीख का बर्थडे है। वैसे तो हम लोग प्रेगनेंट है तो पिछली बार तो हमने बड़ा मजेदार बर्थडे बनाया था सेलिब्रेट किया था फुल। इस बार हम सोच रहे हैं घर पे केक वेक काट लेंगे सिंपल सा बना लेंगे। तो फाइनली हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और डॉक्टर लकीली बैठे हैं आज क्योंकि हम फोन करके आए हैं। हम लोग निकल गए हैं हॉस्पिटल से और बहुत सारी बातें करी डॉक्टर से काफी टाइम बाद मिले। तो पायल की जो वैक्सीन थी कौन सी वैक्सीन थी पायल तेरी? तो पायल की जो वैक्सीन थी टी डैप जो मुझे लास्ट टाइम लगी थी वो पायल को लग गई है और हमारा ना प्रोजेस्टोन जो इंजेक्शन है ना गाइस वो बेबी शावर के बाद डिसकंटिन्यू हो गया मतलब अब हमें प्रोजेस्टोन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैम कह रही आपका यूट्रस बिल्कुल सही है दोनों का। और साथ ही साथ पायल का ना अल्ट्रासाउंड चेक करा डॉक्टर ने लास्ट टाइम वाला तो वो अल्ट्रासाउंड चेक करने के बाद डॉक्टर ने पायल को एक और अल्ट्रासाउंड लिखा है तो कल हम दोनों को फिर जाना है अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए दोनों को। उसमें क्या होगा पायल के दोनों बेबीज की और मेरे बेबी की ग्रोथ का पता चलेगा तो वो भी करवाना है। और साथ ही आज मुझे मेरी एक और वैक्सीन है वो लगी है और क्या बोलते हैं एक वैक्सीन मुझे अभी लगी है एक वैक्सीन मुझे रात को 10 बजे लगेगी और एक वैक्सीन मुझे लगेगी सुबह 8 बजे। और ये वैक्सीन इसलिए लग रही है बेबी के लंग्स को मेच्योर करने के लिए। तो बेबी के लंग्स हम मेच्योर इसलिए कर रहे हैं गाइस क्योंकि ना लास्ट टाइम जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था ना उसमें बेबी के आसपास पानी था तो डॉक्टर ने बोला था आपको शुगर ज्यादा है तो जब शुगर ज्यादा होता है ना तो चांसेस रहते हैं डिलीवरी जल्दी होने के तो इसलिए वो बेबी के लंग्स को मेच्योर कर रहे हैं ताकि अगर डिलीवरी फॉर एग्जाम्पल जल्दी हो भी जाती है ना तब भी बेबी की जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है वो पूरी हो। तो उसके लिए मेरे को 2 इंजेक्शन मिल गए अभी एक लगवा कर आई हूँ और फिर रात को जाऊंगी। तो गाइस घर पे पहुंच गई और ना कल वाले स्कैन से ना पता चलेगा बेबी की ग्रोथ के बारे में और फिर उसके बाद डॉक्टर ना एक स्कैन और बोलेगी वो बोलेगी मेरे को 8th मंथ की एंड में ना 8th मंथ के एंड में। पायल के साथ क्या है पायल के ट्विंस बेबी है तो पायल का भी 7th मंथ चल रहा है 7th मंथ में स्कैन होगा क्या पता 7th मंथ के एंड में भी स्कैन हो फिर 8th मंथ में होगा। तो पायल के तो बहुत सारे स्कैन है जो हर महीने में एक या दो महीने में 2 बार तो होंगे। मैंने एक ना पार्सल ऑर्डर किया हुआ था पार्सल आ चुका है क्योंकि ये मैटरनिटी शायद ही मैंने ड्रेसेस मंगाई है क्योंकि ना अभी तो पुराने कपड़े वो मुझे नहीं आ रहे हैं तो मैंने अपने लिए ऐसी ड्रेसेस मंगाई है जो इस टाइम मेरे को बहुत कंफर्टेबल हो। तो सबसे पहले मैं दिखाऊंगी ये वाली ड्रेस और ये मैंने कहाँ से मंगाई है मैंने मंगाई है स्वैंकी कुटियोर से बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छा स्टफ है अच्छा स्टफ है ना पूरा लॉन्ग है यहाँ पे बटन्स नहीं है वैसे होगा शायद ट्यूब पहननी पड़ेगी नीचे और बहुत सुंदर है ना। तो एक वन पीस ये है इसमें 2 कलर है लाइट पर्पल और डार्क पिंक मतलब और एक पैटर्न ये है ये वाला और इसका कलर है नियॉन और पर्पल और साथ ही साथ वो दिखा दिए मैंने सूट नहीं है वो वन पीस है लॉन्ग। तो गाइस अभी बज गए हैं शाम के 5 और मैं और पायल जा रहे हैं ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए क्योंकि घर में आटा भी खत्म हो गया है साथ ही साथ चाय पत्ती चीनी क्योंकि लास्ट टाइम ना मैं ग्रोसरी का सामान लेकर आई थी कम हो गया वो और तो हमने सोचा एक काम करते हैं अब निकल लेते हैं ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए क्योंकि इसके बाद तो टाइम ही नहीं मिलेगा शॉपिंग करने का। तो शावर वावर मेरा हो गया था एकदम डन और साथ ही साथ ना लंच भी कर लिया था टाइम से घर पे आज बनी थी पूरी छोले जैसे कि पायल ने सुबह बताया। पायल ने तो लंच नहीं करा उसका मन नहीं कर रहा पता नहीं क्यों खाने का मैं तो अपनी पूरी खा कर पायल तूने क्यों नहीं करा लंच बाबू भूख नहीं है चलो कोई बात नहीं रास्ते से कुछ खा लेंगे अगर भूख लगेगी तो ग्रोसरी शॉपिंग के बाद। तो
अभी ना मुझे दो तीन काम और है। मैं ना अब बड़े वाले मास्टर बेडरूम की बेडशीट्स भी बनवानी है दो चार और, क्योंकि पिछली बार जो बनवाई थी ना वो थोड़ी सी खराब सी हो गई है। तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा ना प्रिंट वाला कपड़ा कोई अच्छा सा लेते और उसकी बनवाते हैं। साथ ही साथ मैं उससे बेबी ड्राई शीट भी पूछ के आऊंगी अगर वो उस वाले बेड की बना देगी, क्योंकि जो है ना बेबीज का जो वॉशरूम का प्रॉब्लम होता है आप सबको पता, बहुत ज्यादा टॉयलेट करते हैं बच्चे छोटे, तो बेड का गद्दा जो है वो खराब ना हो उसके लिए मैं पहले अगर अभी बोलूंगी तभी वो इधर उधर से कपड़ा वो जो जैसा ड्राई वाला होता है वो अरेंज करके बनाएगा, तो अभी से बोल के आऊंगी उसे। तो यहाँ पर ना ऊपर के लिए चावल, नीचे के लिए चावल और 25 किलो आटा, 60 किलो आटा, 10 किलो चीनी, 15 किलो ये चावल, ये भी सारा मतलब कि एक ट्रॉली हमने भर दी है। इस बार मैंने बिरयानी राइस लिए हैं दो अलग अलग दावत के, क्योंकि मैं इनको बिरयानी खिलाना चाहती हूँ बढ़िया सी बना के। तो आजकल ना मैं पोहा बहुत खाने लग गई हूं, तो पोहे के लिए मूंगफली पूछ लेती हूं पहले है के लिए, नहीं होगी तो मूंगफली ले लूंगी और पोहा भी ले लूंगी। तो यहां से मैंने ले लिया है पोहा, बेसन और न्यूट्री दो पैकेट। अभी सूजी ढूंढ रही है गोलू, क्योंकि मैं आजकल हलवा खा रही हूँ सूजी का, तो यहाँ पे गोलू जो है सूजी ढूंढ रही है। मिली सूजी? मैदा, एक पैकेट ले ले बस। इडली रवा है। तो यहाँ पे गोलू ने भर लिए बिस्किट, बहुत सारे बिस्किट लिए, क्योंकि ये वाला जो बिस्किट है नितिन भैया खाते हैं बहुत शौक से। और बस गोलू और कितने लेगी? चीकू के पापा खाते हैं और ये मैंने बिस्किट, बस ये चीकू के पापा के लिए ना न्यूट्री चॉइस, बाकी वो उनके लिए इनफ है इतना, और ये चीकू के लिए कुरकुरे। तो शांति ना ये वाला स्पाइस मांग रही थी और ये वाला स्पाइस ना मिल नहीं रहा था अपने घर के पास, तो मैं ये पूरा ले लेती हूँ। तो मैं ना बिरयानी के लिए सारे जो सिंगल सिंगल वाले मसाले ना वो ले रही हूँ अलग से। तो यहाँ पे ना सरसों भी ले लिए दो ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। तो यहाँ पर ना हमने रिफाइन भी ले लिया, 5 लीटर का मिल रहा था तो 3 वो ले लिए, 3 कैन ले लिए। तो यहाँ पर ना मैगी ली जा रही है, क्योंकि घर पे मैगी बहुत बनती है, मैगी तो ऐसा है लक्ष्य, मैं और चीकू बहुत मैगी खाते हैं बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर ना चाय पत्ती ली जा रही है ऊपर नीचे के लिए, तो 4 किलो चाय पत्ती रास्ते में लेके गई थी, 1 पैकेट पड़ा घर पर। तो अभी मैंने लिए 2 ग्रीन टी अलग अलग, ये है हनी और लेमन और ये है तुलसी, ये 2 ले लेती हूँ जिम्मी के लिए। ठीक है, इसकी ट्रीट चरखी। हाँ तो गाइस ये जिम्मी की ट्रीट, ये शाम को खाता है ट्रीट। तो यहाँ से मैंने ले लिए हैं 2 पैकेट टॉयलेट रोल, क्योंकि शायद घर पे और भी पड़े होंगे तो 2 ही लिए मैंने, और एक मैंने बड़ा वाला पैकेट ले लिया टिश्यू का। यहाँ पे हार्पिक भी हो गया है, कॉलिंग भी हो गया है, ये सारा टॉयलेटरी का सामान हो गया है। तो 1 पैकेट मैं एल्यूमिनियम फॉइल भी ले लेती हूँ, अभी पता नहीं घर पे है कि नहीं है, फिर भी ले लेती हूँ। मैंने ले ली है ये गार्बेज बैग ले है 8 से 10, ऑलरेडी घर पे पड़े थे फिर भी मैंने ले लिए, क्योंकि पता नहीं फिर आना हो कि ना हो। एक्सो ले लिए मैंने 8 और विम बार ले लिए 8-10। तो मैंने लाइजोल दूसरे वाले लिए थे लेकिन इसमें ना रिफिल वाला है, तो मैं सोच रही हूँ रिफिल वाले, हाँ कॉलिन, मैं सोच रही हूँ गोलू ये वाला ले लेते हैं ना, 2 ले ले, एक येरा एक और ले ले। तो यहाँ पे मैंने ले लिए सेल, क्योंकि चीकू की गाड़ी में बड़े सेल लगते हैं, बार बार बोलता है मम्मा ऑर्डर कर दो ऑर्डर कर दो। तो गाइस ये है 1 ट्रॉली, ये है 2, ये है 3, चौथी वहाँ पे। तो यहाँ पे बिलिंग हो रही है, अभी हमने जो है ना इस हिसाब से सामान लिया कि हमें 2 महीने 2.5 महीने आना ना पड़े। तो यहाँ से चीकू के लिए मैं ब्लू वाले लेस भी ले लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत शौक से खाता है। मीठा लेने की कोशिश कर रही थी फिर मैंने सोचा नहीं मीठा नहीं लेती हूँ, तो मैंने सिर्फ चिप्स ले लिया। चले तो यहाँ पे मैंने चाय मसाला भी ले लिया, और चाय मसाला लेते लेते मुझे याद आया कि बटर भी लेना है, तो मैं बटर की लाइन में आ गई हूँ और बटर ढूंढ रही हूँ। यहाँ पे 1/2 किलो ये रहा, ये भी ले लेती हूँ। और यहाँ पे गोलू ले आई है बूंदी रायते के लिए, एक पैकेट बहुत है बस, चल चले। तो बस ये हमारी लास्ट शॉपिंग थी, जो रह गया था सब ले लिया, अब निकलते हैं बिलिंग काउंटर की तरफ, भैया ने जो है आधा बिलिंग करा दिया होगा। तो सारा सामान आ गया है बाहर, ये जो ट्रॉली है ना ये ट्रॉली एज इट इज हम लोग गाड़ी में रख लेंगे, पर ये जो ट्रॉली है ना 2 इनका सामान बॉक्स में पैक कराना पड़ेगा, वरना सारा सामान जो है, क्योंकि मैगी है बिस्किट है वो सब टूट जाएंगे। तो गाइस हम लोग आए थे मार्केट, तो सोचा मोमोज खा लेते हैं, और पहले अगर तेरा भेलपूरी खाने का मन है तो क्या पता भैया मिल जाए उस टाइम पे, खाया था हम लोग हाँ शाम को ही। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे डी डिकोर, और मैं ले रही हूँ अपने बेड से लिए ना ये क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, मैट्रेस प्रोटेक्टर। तो ये ले रहे हैं हम फिलहाल अपने मास्टर बेडरूम के लिए, तो हम बनवा रहे हैं क्योंकि उसका साइज नहीं मिलता है, बाकी 2 बेड्स के लिए ले रहे हैं ताकि जो बेड है ना उस पे पानी वानी गिरे तो वो खराब ना हो। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है डेमो जो हमने लिए, आपने सुना होगा ना पहले विश्वास करे, क्या पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, तो वाला सीन है। तो देखिए इसे पानी ऊपर रहता है कि नीचे जाता है, मेरे हिसाब से नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी टेस्ट हुआ था नहीं गया ना, सही नहीं है ले ले ठीक है। तो गाइस बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हमें ना अपने रूम के लिए बेडशीट ढूंढने के लिए, क्योंकि क्या ऐसी जो बेडशीट है ना किंग साइज, ऐसी हम 2 बेडशीट लेते हैं, देखो किंग साइज बेडशीट है ना, और 2 को बनाकर जुड़वा कर ना फिर बनती है 1 बेडशीट, तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। देख रहे हैं कि 2 बेडशीट अगर सेम मिल गई ना बिल्कुल सेम तो ही लेंगे, नहीं तो ना क्या है फिर ना रूम की गेटअप नहीं आती, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो फाइनली बेडशीट मिल गई है दोनों सेम कलर की, अब इनको जो है
ज्वाइन कराना पड़ेगा। इतनी सारी बेडशीट खुलवाई है, सब जाके दो एक जैसी मिली है। तो अभी अभी ना कुछ नया यहाँ पे दिखा था हमें, इसको कहते हैं डॉली पेपर। इसको डॉली पेपर क्यों कहते हैं वो बता देते हैं आपको। वो इसलिए कह देते हैं कि जैसे हम फ्रेंच फ्राइज वगैरह या फिर कोई भी ऑयली चीज खाते हैं ना, तो उसके लिए टिश्यू लगाते हैं, और सर्विंग के लिए भी, मतलब कोई घर में गेस्ट आए ना तो सर्विंग के लिए भी अच्छा लग रहा है। तो ये बड़ा साइज ले ले, हाँ ये छोटा है। हमारी मिक्सी जो है ना, मिक्सी का जार खराब हो गया था तो हमने ये लिया है फिलिप्स का। और साथ ही साथ ना चीकू के लिए सेलो की बॉटल ली है, बट ये बार्बीडोल वाली नहीं ली है, मैंने ली है ये स्पाइडरमैन वाली रेड कलर की। और लास्ट टाइम ना हम लोग ना बॉटल लेके गए थे ना कांच की, तो वो ना रोली से टूट गई थी, तो इस बार ना इसका कवर भी है देखो, तो क्या है बच जाएगी बॉटल। बहुत ही सुंदर बॉटल है, मुझे बहुत पसंद आई, तो ये बॉटल भी ले ली मैंने। पायल तू क्या देख रही है? ये मैं ये राइस कुकर देख रही थी, हाँ क्योंकि गेस्ट तो हमारे घर आते ही रहते हैं ना। तो इसमें कितने राइस बन जाएंगे? इसमें ये जो है 1.8 है, ये 2.8, तो बड़ा लेना चाहिए, लेना चाहिए, पर इस पे शायद वो ना सामान रख रखे डंड पड़ गया, तो अभी दूसरा। तो मार्केट से सीधे निकलने के बाद हम लोग आ गए वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो अभी शिमला मिर्च ली है, और बहुत दिन से पुदीने की चटनी नहीं खाई थी तो पुदीना भी ले लिए। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सब्जी और ग्रोसरी और ये कुकर किचन का सामान जो लेना था कुछ लेके घर पहुंच गए हैं, और बस अभी जो है सब्जी वगैरह उतरवाएंगे, बाकी ग्रोसरी का सामान सुबह उतरवाएंगे, क्योंकि अब उतरवाएंगे ना पूरा फैल जाएगा, तो सुबह उतरवा के सुबह ही सेट करवाएंगे उसे। तो गाइस सामान तो सारा आ गया, पर इतनी ज्यादा थकान हो गई, इतनी ज्यादा थकान हो गई क्योंकि इतना ज्यादा चलना पड़ा ना, क्योंकि वहाँ पे ग्रोसरी लेते हुए कभी इधर जाना कभी उधर जाना है, फिर हमने सब्जी ली, फिर हमने बेडशीट ली, फिर हमने फ्रूट्स भी सारे लिया है, मतलब सारा काम कर दिया आज पूरा फिनिश। अब राशन का सामान तो दो एक महीने लगा चल जाएगा, सब्जियां लानी पड़ेंगी बीच में बस। तो आज मैंने खाना नहीं खाया था, सुबह सिर्फ एक बार ब्रेकफास्ट किया, तो अभी आते ही मैंने छोले और आलू की तरी वाली सब्जी ले ली है, साथ में डब्बे में है पूड़ी। तो गाइस बहुत ज्यादा थक चुके हैं, अब खाना वाना खा के सोने जा रहे हैं, तो बाय बाय। चलो जी को बाय बाय कर दिया है, तो बाय बाय। जिसने अभी तक गाना नहीं देखा है, नए मेहमान, जल्दी जाके नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे गाना देख लो, और वहाँ कमेंट कर देना आपको गाना कैसा लगा। बाय बाय, गुड नाइट। मेरे घर नए मेहमान आ रहे।